एक 12 साल का बच्चा एक अजीब सी बीमारी का शिकार होता है और कोमा में चला जाता है। उस अवस्था में जहां खुद डॉक्टर भी भगवान के भरोसे हो जाते हैं, क्योंकि ये तभी होता है जब डॉक्टर्स के सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। भगवान चाहता है तो कोई भी मरीज 1 से 2 दिन में भी कोमा से बाहर आ जाता है, और अगर नहीं चाहता तो हर दिन के साथ वो मरीज धीरे धीरे मौत के मुंह में जाता रहता है। एक आंकड़े के अनुसार 2 में से केवल 1 ही इंसान कोमा से बाहर आ पाता है, और अगर वही इंसान 4 दिनों तक कोमा से बाहर नहीं निकलता तो फिर उसके बचने के चांस 10% नहीं रह जाती। कुछ ऐसी ही हालत थी 12 साल के मार्टिन पिस्टोरियस की, जो जनवरी 1988 तक तो पूरी तरह से स्वस्थ था और अपनी जिंदगी खुशी से गुजार भी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक वो स्कूल से वापस आता है और अपनी माँ को बताता है कि उसके गले में एक अजीब सी जलन हो रही है। ये सुनकर माँ परेशान तो होती है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि उनके बच्चे की ये तकलीफ कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। इस बात को 1 महीना भी नहीं गुजरता जब गले में उठी ये जलन पहले तो मार्टिन के शरीर को कमजोर करती है और फिर वो धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। चीजें भूलने से लेकर सोचने समझने तक की क्षमता खत्म हो जाती है, और जब तक मार्टिन के घर वाले और डॉक्टर्स इन कड़ियों को जोड़ पाते कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था, उससे पहले ही 12 साल का वो बच्चा कोमा में चला जाता है। हालांकि उपचार के दौरान और कोमा में जाने से ठीक पहले डॉक्टर्स ने उसके कई टेस्ट किए थे, जिसमें उन्हें शक था कि मार्टिन सेरेब्रल ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हो। लेकिन असल में मार्टिन किस बीमारी का शिकार हुए थे, इस बात का पता डॉक्टर्स भी नहीं लगा पाए। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन जो पहले ही कोमा में जा चुके थे, अब उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर समझ गए थे कि अब जो कुछ भी होगा वो केवल भगवान की मर्जी से ही होगा, मतलब कोई चमत्कार ही उस जिंदा लाश में फिर से एक बार जान डाल सकता था, वरना हर दिन के साथ मार्टिन की मौत तो सुनिश्चित होती ही जा रही थी। इसलिए डॉक्टर्स ने मार्टिन के परिवार को ये सुझाव दिया कि वो चाहे तो मार्टिन को घर ले जा सकते हैं और जो कुछ भी उनसे बन सके वो मार्टिन के लिए करें, क्योंकि मेडिकल साइंस में अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा था जो मौत के रास्ते पर निकल चुके 12 साल के मार्टिन को वापस ला सके, क्योंकि मार्टिन अब सिर्फ नाम का ही जिंदा था। असल में तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था, लेकिन आपने परिवार नाम का शब्द तो सुना ही होगा। कहने को तो ये केवल एक शब्द है, लेकिन सच पूछिएगा तो इस दुनिया में रहते हुए हमारी असल दुनिया तो हमारा परिवार ही होता है, और वो कैसे, इसका एक नमूना मार्टिन के परिवार ने भी पेश किया। जब डॉक्टर्स की नाउम्मीदी के बाद भी इस परिवार ने हार नहीं मानी और मार्टिन के ठीक होने की दुआएं शुरू कर दी, उसे घर ले आए और उसे ठीक करने के लिए जो कुछ भी उनसे बना परिवार में मौजूद माँ बाप और यहाँ तक कि भाई बहन सब ने वही किया, जिससे मार्टिन एक बार फिर जिंदा हो सके। हालांकि परिवार तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ मार्टिन को ठीक करने में लगा रहा, लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद भी मार्टिन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 5 साल के बाद भी मार्टिन एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिसके बाद वो समय आ गया जब परिवार भावनाओं से ऊपर उठने लगा और सच्चाई को मानने लगा कि मार्टिन अब शायद कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं सब ये मान चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यही कारण था कि जो पहले 5 साल दुआओं और मेहनत में गुजरे, मार्टिन के परिवार ने अगले 7 साल उनकी देखरेख तो की, लेकिन साथ ही साथ ये दुआ भी करते थे कि इस तकलीफ से मार्टिन को छुटकारा मिल जाए, ताकि जिसे जीते जी सुकून नहीं मिल रहा था कम से कम उसे मरकर ही सही आराम तो मिल जाए। क्योंकि अब तक 12 साल बीत चुके थे और 12 सालों का वो बच्चा बेड पर लेटे लेटे ही उम्र के 25वें पड़ाव तक पहुंच चुका था, जिसके खुद के माँ बाप भी बूढ़े होने लगे थे। तो सोचिए, इतने वर्षों में जिस मार्टिन की एक उंगली भी ना हिली हो, जो उसके जिंदा बचने की एक उम्मीद पैदा करती हो, तो ऐसे हालातों में कौन सा परिवार नहीं होगा जो अपने सदस्य की जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत की कामना करने लगे। लेकिन फिर एक दिन इस परिवार की जिंदगी में वो दिन भी आया जब सभी लोग हैरान रह गए, जब 12 साल के बाद अचानक उनका मार्टिन होश में आ गया। ये देख पहले तो परिवार को कुछ समझ ही नहीं आया, हर कोई बस उसे गले लगाकर रोने लगता है। परिवार की मानो एक ही पल में सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि मानो बस यहीं इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि कोमा से बाहर आकर जो कुछ भी मार्टिन ने बताया उसने इस कहानी में एक नया ही अध्याय जोड़ दिया। जब उसने बीते 10 सालों की कहानी सुनाई और बताया कि कोमा में जाने के मात्र 2 सालों के बाद ही उसे होश आ गया था, वो एक बार फिर से जिंदा तो हो चुका था। उसे वो सब कुछ महसूस हो रहा था जो भी उसके आसपास होता, लोगों की बात करने की आवाज, उनकी गंध, सब कुछ उसे सुनाई देती और महसूस भी होती, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ना ही उसके हाथ पैर हिलते थे, जिन्हें वो हिलाने की भरपूर कोशिश भी करता था। उसे लगता था कि उसके दिमाग में मानो कोई धुंध सी भरी हुई है, तभी हर तरफ धुआं और अंधेरा सा छाया रहता था, मानो वो कोई सपना देख रहा हो। सोचिए उस समय मार्टिन पर क्या बीत रही होगी, जब उसे अपने आसपास की सभी चीजें सुनाई तो दे रही हो लेकिन कुछ भी दिखाई ना दे और वो हिल भी ना सके, और तो और वो किसी को ये भी ना बता सके कि वो जिंदा है। होश में आने के बाद मार्टिन ने ये भी बताया कि जिस तरह धीरे धीरे उसका परिवार उसके ना लौटने को सच मानने लगा था, ठीक उसी तरह एक दूसरी और खौफनाक दुनिया में वो खुद भी सच को मान बैठा था कि अब वो कभी भी इस नींद से नहीं जाग पाएगा और हमेशा उस रहस्यमय दुनिया में ही कैद रहेगा, जिसमें केवल उसे अपने आसपास की हर चीज सुनाई तो देती थी लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पाता था, जिसके बारे में वो कभी भी किसी को भी कुछ नहीं बता पाएगा। तो ऐसे में जब भी उसके आसपास कुछ घटता तो वो उसे सुनकर तो कभी खुश होता तो कभी
कभी कभी जोर से रोता और तो और कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता। क्योंकि एक बार मार्टिन ने अपनी माँ को ये कहते हुए सुन लिया था कि काश भगवान मार्टिन को इस दर्द से मुक्ति दे दे, जिसका उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन उन 10 सालों में वक्त के साथ वो ये भी समझ गया कि उसका परिवार उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता था, बल्कि सच तो ये था कि जिस दर्द से वो जूझ रहा था ठीक वैसी ही तकलीफ उसके परिवार को भी होती थी। तभी उसकी माँ ऐसा सोचने पर मजबूर हुई। हालांकि मार्टिन जो कुछ भी बोलने और हिलने लायक जरूर नहीं था, लेकिन उसका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो कोशिश ना करता हो कभी उंगलियां हिलाने की तो कभी आंखें खोलने की, ताकि वो कोई इशारा दे सके कि वो जिंदा है। यहां तक कि वो अपने दिमाग में अजीब अजीब कैलकुलेशन भी करता रहता था ताकि उसका दिमाग चलता रहे और इतना मजबूत हो जाए कि उसकी मदद से उसके हाथ पैरों में भी कोई नई ऊर्जा आ जाए। और फिर एक दिन उसकी ये कोशिश, मेहनत और हिम्मत तीनों ही रंग ले आई जब उसके हाथ की एक उंगली हिलने लगी। लेकिन वो मूवमेंट इतना कम था कि पिछले 10 सालों में जो परिवार अब नाउम्मीद हो चुका था उसे वो मूवमेंट दिखाई ही नहीं दिया। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा जब परिवार को इशारा करने की मार्टिन की कोशिशें फेल होती रही। और इसी तरह वो दिन भी आ गया जब एक बार फिर मार्टिन की जिंदगी ने करवट ली। वो दिन जब अब से कुछ ही देर पहले मार्टिन होश में आकर अपने परिवार को अपनी आप बीती सुना रहे थे। इस दिन की शुरुआत तब होती है जब मार्टिन का उपचार कर रही एक थेरेपिस्ट ने मार्टिन की रिपोर्ट में कुछ अलग पाया, वो जो पिछले 12 सालों में कभी नहीं हुआ था, जिससे ये पता चला कि वो होश में है। जब थेरेपिस्ट ने ये बताया कि मार्टिन ने मूवमेंट शुरू कर दी है, उसके शरीर में दोबारा से जान आ चुकी है, और जैसे ही ये कन्फर्म हुआ कि रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वही सच है, तो मार्टिन को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उसे एक बेहतर इलाज मिल सके और वो इस कैद से आजाद हो जाए। कुछ दिनों के इलाज के बाद मार्टिन की मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। हाथ पैरों से लेकर आंखें और मार्टिन के शरीर के कई और भी अंग हिलने लगे। फिर धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब मार्टिन उठने भी लगे और व्हीलचेयर की मदद से यहाँ वहाँ भी जाने लगे। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी और वो ये थी कि उनका ना बोल पाना। कोमा से लौटने के बाद उनके पैर और जीभ दोनों ही निष्क्रिय हो चुके थे, जिसमें पैरों का समाधान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन बोलने के लिए भी मार्टिन की माँ ने एक शानदार उपाय खोज निकाला जब उन्होंने एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जिसकी मदद से एक आर्टिफिशियल आवाज के सहारे मार्टिन बातें भी करने लगे। मार्टिन की जिंदगी जो पहले ही एक खूबसूरत करवट ले चुकी थी, अब समय था कि मार्टिन वो सब कुछ करते जो उन्होंने पिछले 12 सालों में नहीं किया। तो सबसे पहले मार्टिन ने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी जरूरी पढ़ाई को पूरा किया। और इसी बीच जैसे जैसे समय बीत रहा था मार्टिन की हालत में सुधार भी तेजी से हो रहा था। समय के साथ मार्टिन पूरी तरह से नॉर्मल होते चले गए। उनके चेहरे पर वो सभी भाव लौट चुके थे, जिनका मतलब था कि मार्टिन अब एक सामान्य व्यक्ति है जिन्होंने सभी सामान्य काम जैसे पढ़ाई, नौकरी, शादी तो किए ही, साथ ही साथ कुछ असामान्य काम भी कर दिखाई। जब उन्होंने अपनी इस आपबीती को शब्द दिए और उन शब्दों ने एक नोवेल का रूप धारण कर लिया जिसका नाम मार्टिन ने घोस्ट बॉय रखा। इस नोवेल को साल 2011 में पब्लिश किया गया जो अपने समय में अमेरिका की बेस्ट सेलिंग नोवेल बनी, जिसने दुनिया को ये बताया कि मार्टिन पिस्टोरियस कौन है और कोमा में जाने के बाद किसी इंसान के साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको मार्टिन का ये संघर्ष कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।